दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगेंद्र मौर्य में आप लोगों का। तो आज फिर आप लोगों को दिखाएंगे बेंटेक्स SK में ऑटो और मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। आप लोग यूं ही प्यार बनाए रहिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को बेंटेक्स SK जो स्टार्टर होता है, इस पर कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। इसमें आयल डाला जाएगा और ऑटो भी लगाया जाएगा। अभी आप लोगों को सभी कनेक्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्टार्टर, इस पर आप लोगों को देख लेना है A1 B1 C1, यानी कहने का मतलब ये तीनों हमारे जो रहे ये मोटर के कनेक्शन हैं A1 B1 C1। उसके बाद में आपकी लाइन आती है, ये देखिए यहाँ पर लिखा होता है L1 L2 L3। L का मतलब होता है लाइन, लाइन एक, लाइन दो, लाइन तीन, यानी थ्री फेज का मोटर है। यहाँ पर आपके रहेंगे तीनों फेज यहाँ पर। उसके बाद में एक केबल बची, वो आपको कहाँ लगाना है तो ये देखिए इधर होगा B2 C2 A2, यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। यहाँ पर मोटर के कनेक्शन होंगे और यहाँ पर मोटर के कनेक्शन होंगे, यहाँ पर बीच में बिजली के कनेक्शन होंगे। तो कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं ये आपको देखना है। इसमें जो आपकी मोटर लगती है ये देखिए डबल केबल में होती है 6 वायर में, और ये आपका रहा समर। अब इसके कनेक्शन आप लोगों को हम करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को कनेक्शन करना है, स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए और समझते रहिए। तो दोस्तों ये हमने ये केबल ले लिया, इस केबल को आपको यहाँ से निकाल लेना है, इस होल के जरिए आप लोगों को निकाल लेना है। तो दोस्तों अब करते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहले हमें करना है A1 पर, यानी कहने का मतलब लाल वाली वायर को लगा लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, और ये रहा B1 पर पीली वायर को लगा लेते हैं। ये रहा हमारा C1 पर नीली वायर को लगा लेते हैं। ये हमारे कनेक्शन हो गए RYB, रेड येलो ब्लू, यानी RYB ये कनेक्शन हमारे हो गए। जैसे कि आपने देखा लाल सबसे पहले हमने लगाया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले पीला वायर। कलर के सामने कलर ये हो जाएगा तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। लाल के सामने पीला लगा लिया, पीले के सामने नीला लगाएंगे। A2 के सामने हमारा पड़ता है नीला, नीले के सामने हम लगाएंगे लाल वाली वायर को। इस प्रकार से हमारे मोटर के कनेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को मोटर के कनेक्शन करना है। देखिए कलर के सामने कलर नहीं पड़ना चाहिए, बस बाकी किसी में कोई भी लगा सकते हैं आप, लेकिन कलर के सामने कलर नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं कनेक्शन लाइट का, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, यानी L1 L2 L3। ये हमने कनेक्शन कर लिया L1 पर, दूसरा L2 पर, तीसरा L3 पर। ये हमारे कनेक्शन
कंप्लीट हो चुके हैं। अब साथ में आप लोगों को हम ऑटो के भी कनेक्शन बताते चलें। ये हमारा रहा ऑटो, ये ओमेगा का ऑटो स्विच है। इसमें देखिए ऑटो पर आप लोगों को एक बात बता दें, ये लिखा होता है लाइन फॉल्ट, ये लाल बत्ती जलेगी तो समझ जाइए कि हमारे बिजली के वायर उल्टे लगे हैं। ये लिखा है डेली ऑन, ये जब पीली लाइट जलेगी तो समझ लीजिए कि हमारी लाइन कंप्लीट है, हमारे कनेक्शन सही हैं। ये कुछ क्षण जलेगा, उसके बाद में आपका पंप ऑन हो जाएगा जब आप ऑटो को ऑटो मोड में डालेंगे, तब आपकी ये ग्रीन लाइट जल जाएगी, आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, बाद में दूसरा गियर स्वयं लगा लेगा। तो इसके कनेक्शन आप लोग समझिए, कनेक्शन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 6 वायर होते हैं, नीला, काला, काला, ये हमारे मेन लाइन के हो गए, ये हो गया ऑटो का, ये लाइन का हो गया, और ये हो गया आपका टाइमर का। तो ऑटो के कनेक्शन आप समझिएगा, जिधर से आप बैठे हों अपनी तरफ से, यानी बटन के साइड से आपको कनेक्शन करना है। ये हमारा रहा स्टार्टर, ये बटन का साइड है, यहाँ से आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि किसी किसी में कनेक्शन होता है नीले वायर का L3 पर, किसी किसी में होता है L1 पर, लेकिन L3 पर जिसमें होता है वो L3 अपनी तरफ पड़ता है, आपको अपनी तरफ से कनेक्शन पर नीली वायर को लगाना है। ऑटो में है कई तार है, तो नीला लगा लिया, उसके बाद में आपको लगाना है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, यानी L2 L3 पर ब्लैक ब्लैक कर लेते हैं, चाहे जिसमें जो भी लगा लो। यदि हमारा ऑन नहीं कर रहा है तो ये तार आपस में पलट लिए जाते हैं। तो इनके कनेक्शन कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे मेन लाइन के कनेक्शन हो गए। अब हमें करना है ये 3 वायर बचे, लाल, पीला, हरा, इसके कनेक्शन कायदे से देखिएगा। वैसे देखिए हमारे जो स्टार्टर था तो करंट पाता था लाल बटन पर, यहाँ से ये जो ब्लैक वायर लगी है इसको आप लोगों को हम अलग करके दिखा दें, ये देखिए। अब हमारा कहाँ पाएगा, ये यहाँ नीले से जाएगा और इस लाल वाली वायर के जरिए कनेक्शन इसको मिलेगा। तो इस पर हम कर लेते हैं लाल वाले को कनेक्शन। अब इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं लाल वाली वायर को, ये हमारा वायर फ्री हो गया काला वाला। अब हमें कनेक्शन करना है हरी वाली का, इस वाले का हमें कनेक्शन करना है हरे वाले का। इसका कहाँ से कनेक्शन होता है ये देखिए, आप लोगों को दिखा दें कोयल का तार कहाँ से चलता है, ये यहाँ से चलता है। तुमका जब दिखा नहीं रहा तो का ये देखिए यहाँ से चलता है, यहाँ से चल करके आपका आता है ये पीली वाली बटन पर आता है, बहुत दूर ये पीली वाली बटन पर आएगा, ये देखिए। ये रहा आपका कनेक्शन, ये पीली वाली हरी वाली बटन के इस साइड में, इस यहाँ पर कनेक्शन इसका होता है। अब इस पर हम कनेक्शन कर लेते हैं, इस वाले वायर को हमने खोल लिया, ये ब्लैक वाले वायर को हमने खोल लिया, और यहाँ पर हम कर देते हैं कनेक्शन पीले वाले का। अब बचा हमारा हरा, इसको कहाँ करना है, ये जो हमने कोयल का वायर खोला था ये वाला ब्लैक वाला, इस पर हमें इस तरीके से लगा करके टेप लगा देना है। ये जो हमारा L1 से जाकर के लाल पर लगा था इसमें भी टेप लगा देना, इसका कोई काम नहीं बचा। तो इस प्रकार से दोस्तों कनेक्शन हो जाते हैं। अब आप लोगों को एक बार हम बता दें, ब्लैक ब्लैक ब्लू, रेड येलो ग्रीन, इस प्रकार से कनेक्शन होते हैं। यदि मान लिया हमारा स्टार्टर होल्ड नहीं कर रहा है तो ये ब्लैक वाले जो वायर हैं इनको आपस में पलट लिया जाता है।
दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें डाल लेते हैं ऑयल। ऑयल डालने से पहले एक चीज़ का और आप लोगों को ध्यान करना है, हमारे स्टार्टर के अंदर कार्टन टेप लगा होता है, तीनों कॉन्ट्रेक्टर बंधे हुए होते हैं, कंपनी से जब आते हैं तीनों कॉन्ट्रेक्टर बंधे हुए होते हैं, उन्हें खोलना पड़ता है। उन्हें यदि आप खोलेंगे नहीं तो आपकी मोटर ना तो स्टार्ट होगी, ना तो चलेगी, ना बंद होगी, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी, बंद नहीं होगी और विस्फोट भी कर सकती है, इसलिए कार्टन टेप ज़रूरी उतारना होता है। तो इसको करते हैं ओपन, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमने खोल लिया स्टार्टर को, यहाँ पर देखिए लिखा होता है कृपया कार्टन टेप उतार दीजिए, हर कॉन्ट्रेक्टर पर लिखा होता है कृपया कार्टन टेप उतार दीजिए। तो कार्टन टेप को हम खोल लेते हैं। इस प्रकार से हमने उतार लिया, उसके बाद में हमें ये कॉन्ट्रेक्टर को चेक करके देख लेना है, कॉन्ट्रेक्टर हमारा कोई फंसा हुआ तो नहीं है। इसको चला करके देख लीजिए इस प्रकार से, ये हमारे तीनों मेंटेन है। अब इसमें डाल लेंगे ऑयल। ऑयल लमसम इसमें ऑयल एक लेवल लगा होता है, ये देखिए होता है ऑयल लेवल, यहाँ तक आपका ऑयल होना चाहिए, यहाँ से कुछ थोड़ा खाली होना चाहिए। तो इसमें भरते हैं ऑयल। लाइट हमारी आ चुकी है, अब इसको हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ऑटो को ऑन करेंगे, ऑटो देखते हैं क्या कहता है। ये हमारा रहा ऑटो, ये ग्रीन लाइट जल गया, यानी लाइन फॉल्ट बता रहा है। अब हमें क्या करना है, ये ब्लैक वाले वायरों को बदल लेना है। तो ब्लैक वायर यहाँ से हम नहीं बदलेंगे, लाइन से बदल लेते हैं। तो हमारे कनेक्शन सही हो चुके हैं, अब हम ऑटो का बटन ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा येलो जल गया और अभी स्टार्ट करेगा। ये देखिए हमारा पहला गेट लग गया और अभी दूसरा लगेगा, ये हमारा दूसरा लग गया, लेकिन अभी दोस्तों पानी नहीं आया है, पानी आया लेकिन कम आया है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें अभी हमें बिजली के वायर को पलटना है, बिजली के वायर को हम पलटेंगे अब। तो दोस्तों अब हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा ऑटो, ये देखिए हमारा डेली ऑन जल चुका है, अब स्टार्ट होगा। अब दिखाते हैं आपको पानी, ये आ गया पानी, अब लगाएगा दूसरा कट, ये दूसरा कट हो गया, ये देखिए हमारा फुल पानी हो गया, चल रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।